वेलकम टू माई चैनल। ये मेरे आफ्टर रिजल्ट्स हैं, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि एक स्टेप बाय स्टेप फेशियल लाई हूँ मैं विथ अ वेरी फेमिलियर प्रोडक्ट नेम जो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, वो है मामा अर्थ। तो मैंने मामा अर्थ का उपटन फेशियल किट लिया है इस बार, एंड ये एक 6 स्टेप फेशियल किट है जिसमें क्लेंजिंग मिल्क, फेस स्क्रब, सूदिंग जेल, मसाज क्रीम, फेस मास्क और ग्लो क्रीम है। एंड बेसिकली इसमें टर्मरिक एंड सैफरन है। दिस इज़ बीइंग क्लेम्ड बाय द कंपनी। तो मैंने कहा चलो टेस्ट करके देखते हैं। सो हेयर मैं अपने बाल सिक्योर कर लूँगी सबसे पहले कि फेशियल करने से पहले, एंड मैं टी शर्ट को भी कवर कर रही हूँ विद अ यू नो स्कार्फ। आप अगर स्ट्रिप कपड़े पहनते हो जिसमें स्ट्रिप्स होती हैं तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, आपको ऐसे कवर करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ आई वाज वेयरिंग टी शर्ट सो आई प्रेफर्ड कवरिंग इट विद अ स्कार्फ। तो ऐसी कुछ इसकी पैकेजिंग है, एंड इसकी टोटल कॉस्ट थी 400, बट क्योंकि मैंने इसे एक रिटेल शॉप से लिया था एंड दैट टाइम इट वॉज़ इन एन ऑफर ऑफ बाय वन गेट वन, तो मुझे ये 200 की किट पड़ी थी। एक एक जो यूनिट है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ वो है 10 ग्राम की यूनिट, एंड सफिशियंट था मेरे हिसाब से एक या दो बार के यूज़ के लिए। ऐसा मैंने एक बाउल लिया हुआ है जिसमें मैंने पानी ले लिया है, एंड मैं क्लेंस कर रही हूँ अपने फेस को विथ अ टिश्यू। बेसिकली मैं मुंह धो चुकी हूँ अच्छे से, सोप से फेस वॉश कर चुकी हूँ, बट इवन आफ्टर दैट ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग फेशियल मैं क्लेंस कर रही हूँ विथ गुलाब जल। यहाँ मैंने डाबर का गुलाब जल लिया था, एंड वन स्प्रेइंग ऑल ओवर माय फेस। मैं उसे मसाज करके उसी टिश्यू से साफ़ कर लूँ। इवन आफ्टर यू नो साफ़ करने के बाद भी यूजिंग फेस वॉश ऑल्सो कुछ ना कुछ डर्ट ज़रूर निकलती है, तो इट इज़ अ गुड स्टेप इफ़ यू फॉलो दैट। आफ्टर दिस मैंने यूज़ किया है सर क्लेंजिंग मिल्क इसका, और मैं इसका प्रोडक्ट अगर आप देख सकते हैं ठीक थी कंसिस्टेंसी क्लेंजिंग मिल्क के हिसाब से, मुझे तो सही लगी। एंड हल्के सी टिंट थी खुशबू में, खुशबू जो आ रही थी वो सैफरन और टर्मरिक की आ रही थी। सो उसको मैंने पूरा ओवरऑल फेस और नेक को इंक्लूड करते हुए मैंने इसमें को अच्छे से मसाज किया। इसे 2-3 मिनट से ज़्यादा मैंने मसाज नहीं किया, एंड मैंने उसे टिश्यू से साफ कर लिया। आफ्टर दिस हेयर आई एम यूजिंग दी फेस स्क्रब, चोपटन फेस स्क्रब है। इसके ग्रैन्यूल्स आपको दिख रहे होंगे, देखने में हार्श हो सकता है, बट जब मैंने इसको अप्लाई किया था ऑल ओवर माय फेस इट वाज ऑल गुड, मुझे ज़्यादा हार्श नहीं लगा, ठीक था जो, और स्क्रब के हिसाब से भी वो ठीक था। बीच बीच में मैं थोड़ा सा पानी लेके ही स्क्रब कर रही थी क्योंकि उससे बहुत इजीली यू नो पूरे फेस पे मसाज होके प्रोडक्ट भी फैल रहा था, तो वो मुझे थोड़ा सा वैसे ही स्टेप करने का मैंने ट्राई किया है। आप भी ऐसे ही ट्राई करना। मैंने नोज़ एरिया पे कुछ ज़्यादा टाइम दिया था अपने आप को क्योंकि वहाँ पे वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा पॉप आउट होते हैं मेरे लिए, तो वहाँ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाते हुए किया था। उसके बाद मैंने क्लीन किया, एंड आई मूव टू द नेक्स्ट स्टेप विच वाज द सूदिंग जेल। इसे एक्चुअली हमें पूरे फेस पे यू नो अब्जॉर्ब करा लेना था विद आर मसाज ओनली। इसके दो बेनिफिट्स जो मुझे समझ में आते हैं वो यही हैं कि जब आप जेल को अंदर, क्योंकि स्क्रब हो चुका है अब आपका आपके पोर्स खुल गए हैं, तो ये जो सूदिंग जेल होगा इसका असर आप पे ज़्यादा होगा क्योंकि अब्जॉर्ब हो गई थी। डन आफ्टर दैट आई यूज्ड द नेक्स्ट स्टेप विच वाज द मसाज क्रीम। मसाज क्रीम को मैंने लिया एंड पूरे फेस पे विदाउट अभी पानी, बिना पानी लगाए पहले अच्छे से मसाज किया अपनी स्किन पर, सो दैट जो चीज़ें अंदर जा सकती है इवन आफ्टर यू नो द जेल इट कैन गो। उसके बाद जब मेरे फेस पे वो फ्लुएंसी ख़त्म हो गई, वो फ्लो जो मेरे फेस पे आ रहा था वो फिनिश हुआ, उसके बाद आई ट्राइड यूजिंग थोड़ा सा पानी और मैंने मसाज करने की कोशिश की क्योंकि आप सूखी स्किन पे करोगे तो वो स्ट्रेच करेगी, तो थोड़ा सा पानी तब लगाती हूँ मैं या तब यूज़ करी जनरली जब
मेरी स्किन स्ट्रेच होने लगी है ना, उसके ऊपर जो प्रोडक्ट लगा था वो ख़त्म होने लगा। तब मैंने उसको थोड़ा सा पानी लगा लगा के मसाज किया ऑन ऑल द एरिया, स्पेशली ऑन माई आईज़। आई गेव दैट लिटिल रोल जो जनरली हमारी पार्लर वाली दीदियाँ देती हैं, तो उनसे सीख सीख के जो जो समझा था कि हाँ यार इधर इधर ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जब वो देती हैं, तो वो मैंने ट्राई किया थोड़ा सा वैसे ही देने का। तो नेक को कभी मत भूलना प्लीज़ यार, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ अ वेरी लेफ्ट आउट पार्ट। आप जनरली फेस वॉश करके आ जाते हो, नेक भूल जाते हो, तो प्लीज़ उसको फेशियल में खुद एटलीस्ट करते वक्त तो मत भूलना। इट शुड बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। नोज़ अनदर पार्ट, मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आई थिंक हर चीज़ में मेरी नोज़ घुस ही जाती है। बट या ओवरऑल मसाज दिया, आँखों में अच्छे से दिया, इवन आई टच्ड माई बैक एज वेल ड्यूरिंग द मसाज। उसके बाद वंस द मसाज वॉज डन, मैंने ये अर्बन गुरु का चारकोल मास्क लिया था। इसे मैंने अपने टी जोन, स्पेशली अपने टी जोन के लिए रखा है, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर मसाज यू नो जनरली हम स्क्रेप आउट करते हैं ड्यूरिंग द फेशियल वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स। तो ये मेरा वही काम सॉल्व करेगा, क्योंकि मैं बाय खुद से वो सेम टूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं स्पेशली घर में। तो मैंने सोचा वाई नॉट टू ट्राई दिस, क्योंकि इससे वाइट हेड्स बहुत ईजीली निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उसको पूरे अपने टी जोन स्पेशली जहाँ होता है एंड लिप्स के नीचे वाले एरिया में जहाँ वाइट हेड्स की क्वांटिटी मेरे में बहुत होती है, तो उन एरियाज इफेक्टेड एरियाज पे मैंने इसे अच्छे से अप्लाई किया। 10 मिनट सूखने के बाद मैंने इसे रिमूव किया एंड ट्राई तो बहुत किया है कि आपको मैं स्क्रीन पे दिखा सकूं कि वाइट हेड्स एक्चुअली निकले थे, बट आई एम नॉट श्योर वेदर आप लोगों को दिख पाया ढंग से या नहीं। बट आई ट्राइड और इससे मुझे बहुत इफ़ेक्टिव फील लगता है कि मसाज के बाद अगर वाइट हेड्स भी निकले देन योर फेस इज़ मोर एंड मोर क्लीन। सो निकला तो है, आई कुड फील दैट ऑन माई फेस एज वेल एंड मास्क में भी आप देख ही सकते हो कि थोड़ा बहुत निकला है। फिर मैंने यूज़ किया है इसका नेक्स्ट उपटन फेस मास्क, जो कि कंसिस्टेंसी में ठीक था, ना ज़्यादा फ्लूई था जैसी मास्क की होनी चाहिए थी कंसिस्टेंसी, एक्चुअली वैसी ही कंसिस्टेंसी में था। मैंने ओवरऑल पूरे फेस एज वेल एज नेक पे अच्छे से अप्लाई किया था इस मास्क को एंड इसमें कोई लिक्विड वगैरह ऐड करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक था, सही तरीके से लग रहा था। एंड मैंने बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ क्वांटिटी लगाई है, ना ज़्यादा ना कम, और थोड़ी सी गड़बड़ नहीं कहना चाहिए, बट हाँ मुझे आफ्टर इफेक्ट्स में लग रहा था जब ये सूख गया मास्क, तो सूखने के बाद तो कहीं कहीं मेरे फेस के पैचेस दिख रहे थे, मतलब फेस दिख रहा था, तो देन आई रियलाइज्ड कि थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता था, बट ओवरऑल इट वॉज गुड। सेकेंडली जो एक और चीज़ मुझे समझनी चाहिए थी पहले ही, वो मुझे नहीं आई थी, बट जो फेस पैक लग गया था मैं उसको रिमूव कर रही थी डायरेक्टली, विच वॉज वेरी हार्श ऑन माई स्किन। तो जो सेकेंड स्टेप मैंने करी उसको गीला करके पूरा पूरा मसाज करके निकालने की, वही स्टेप एक्चुअली आपको शुरू से फॉलो करनी चाहिए। दिस इज़ समथिंग अ डू एंड अ डोंट फ्रॉम माय एंड, कि आप कभी भी मास्क लगा के ऐसे डायरेक्टली ना निकालते हुए पहले मसाज करो उसे वाटर से, सो दैट वो आपकी स्किन को लीव कर दे, वरना वो बहुत हार्श हो जाएगा, जो मेरे फेस पे हो गया था। बट नाउ आई यू नो रिकवर्ड फ्रॉम दैट। उसके बाद मैंने यूज़ किया ये ग्लो क्रीम। ग्लो क्रीम बहुत अच्छे से मेरे उस पर अब्जॉर्ब हो गई थी, और ये था आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ डायरेक्टली लाइक आफ्टर 1 मिनट कि हाँ भैया मेरी स्किन ऐसी दिख रही है, एंड मेरे हिसाब से बहुत स्किन क्लीन हो गई थी। जो एक्ने स्पॉट्स थे वो इसलिए इतने दिख रहे थे क्योंकि अंदर की स्किन क्लीन हो गई थी, तो वो और ज़्यादा दिखने लगे। डजेंट मैटर, सबके पास होते हैं, मेरे पास तो हैं और वो रह गए, बट सम हाउ निकल जाएंगे धीरे धीरे धीरे, बट स्माइल वहीं रहनी चाहिए। सो दिस इज़ हाउ माई स्किन इज़ एक्चुअली लुकिंग, और क्लोज व्यू दे सकती हूँ मैं, दिस इज़ हाउ इट वॉज लुकिंग आफ्टर द फेशियल। इट वॉज अ गुड ट्राई फ्रॉम माई एंड आई होप कि आप लोग भी इसे ट्राई करोगे और सेम यही रिजल्ट आपको भी मिलेंगे। सो टिल देन बाय बाय, सी यू सून।